देखिए, मैं आपके माध्यम से सहारनपुर की पूरी आवाम से कहना चाहता हूँ, सहारनपुर में कोई ऐसा नहीं है जो हमें खरीद सके या डरा सके या अपने पाले में कर सके। दुनिया में विचारधारा की लड़ाई है, हमारी विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है। हम उससे कभी समझौता नहीं कर सकते। 5 साल हम चेयरमैन रहे, हमने उस वक्त बीजेपी से कोई समझौता नहीं किया। जब पद पे होता है आदमी तो हमेशा ये चाहता है कि भाई मैं सरकार के साथ मिल के फायदा उठा लूं। तो अब तो मेरे पास कोई पद भी नहीं था, तो अब मुझे किस बात का लालच होगा बीजेपी से। भाई कभी मेरा पार्टी में आया ही नहीं, ना कभी कोई उसका वास्ता रहा हमसे। और वही मैं पहले बताया, अब भी बता रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से भी सबको कहना चाहता हूँ, उनका अलग काम है, मेरा अलग काम है, मेरी उनकी कोई बोलचाल नहीं। कम से कम 15 साल से जब इंसान बालिग हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे भाई बहन है, कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कोई उसमें है, समाजवादी में, वो एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो मेरी भी अपील है, दरख्वास्त है पूरी हिंदुस्तान की आवाम से कि मुझे मेरे भाई से ना जोड़ा जाए। वो चुनाव के वक्त भी एक ट्वीट और आया था कि भाई 400 पार हो जाएगी तो मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सहारनपुर से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया, आखिर क्या वजह रही निष्कासित करने की, इनसे बातचीत करेंगे। माजिद जी, एक लेटर जारी हुआ है पार्टी की तरफ से, उसमें लिखा हुआ है कि विरोधी गतिविधियों की वजह से आपको निष्कासित किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, लेटर मैंने भी व्हाट्सएप के जरिए ही देखा है, कुछ लोगों ने कल मुझे भेजा था, लेकिन ये हमारी नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उनका फैसला है सर्वोपरि है। कोई हम गलत काम नहीं करते और जहाँ रहते हैं ईमानदारी के साथ रहते हैं। जब से हम पार्टी में, कभी हमने गलत काम किया ही नहीं। लेकिन जो भी बहन जी ने फैसला लिया उसका मैं सम्मान करता हूँ और वो मेरे लिए सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से, वो हमारी नेता थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। हमें तो सर्व समाज का काम करना है, गरीब, मजलूम, कमज़ोर, दलित समाज, सभी के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं और काम जारी रहेगा, काम करते रहेंगे और 2027 में इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे यहीं सहारनपुर से। तो उन्होंने एक अनुशासनहीनता का भी आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आपको इसको लेकर काफ़ी बार चेतावनी भी दी गई लेकिन आप उस पर खड़े नहीं उतरे। नहीं, ऐसी कोई बात मेरे सामने तो नहीं आई। हाँ, अगर कोई बात मुझे कोई बताता तो मुझे भी उस बात का एहसास होता, मेरे सामने तो कभी इस तरह की कोई बात आई नहीं। अगर ये बात लिखी गई या कही गई तो इस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। बहन जी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, उसमें बहन जी के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ओ, हमारी नेता थी, है और रहेगी हमेशा, उसमें नहीं कोई भी हमें बहन जी से आपत्ति। और रही अदर की बात, तो अदर जैसे और भी एक लोग, दो लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी कि भाई आप बीजेपी वालों के टच में थे। देखिए, मैं आपके माध्यम से सहारनपुर की पूरी आवाम से कहना चाहता हूँ, सहारनपुर में कोई ऐसा नहीं है जो हमें खरीद सके या डरा सके या अपने पाले में कर सके। दुनिया में विचारधारा की लड़ाई है, हमारी विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है। हम उससे कभी समझौता नहीं कर सकते। 5 साल हम चेयरमैन रहे, हमने उस वक्त बीजेपी से कोई समझौता नहीं किया। जब पद पे होता है आदमी तो हमेशा ये चाहता है कि भाई मैं सरकार के साथ मिल के फायदा उठा लूं। तो अब तो मेरे पास कोई पद भी नहीं था, तो अब मुझे किस बात का लालच होगा बीजेपी से। उन समुंदर के दो किनारे, जैसे कह दे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो इतना गैप है। वो हमारी विचारधारा अलग है, उनकी अलग है, हम कैसे उनसे समझौता कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनसे समझौता वो लोग कर सकते जो यहाँ से पहले से राजनीति करते आ रहे हैं, वो लोग उनसे मिल सकते हैं। हमें तो कभी सवाल ही नहीं बनता कि हम किसी से समझौता कर ले। हमें तो अपने लोगों के लिए मेहनत करनी है, काम करना है,
और उन्हें अच्छा जीवन देने की कोशिश करनी है कि उन्हें भी वो सब मिले जिसके वो हकदार है, जैसे अदर लोग कर रहे हैं। देखिए अभी एक घटना घटी, यहाँ से लोकसभा मेंबर चुना गया, 50 लोगों पे अज्ञात मुकदमे हो गए, बाइक बंद कर दी गई, उठा भी लिए। अगर हम होते तो हम तो दिल्ली ना भागते, हम तो कहते भाई यहीं बैठे धरने पे, हमें भी जेल भेजो, जिन लोगों ने हमें चुना है हम उनको कैसे छोड़ सकते। तो ये स्वार्थी लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो अपने लोगों के साथ 24 घंटे तत्पर खड़े हैं, तैयार हैं। जो मुझे जानता है उसको पता है कि माजिद को अपने पाले में करने वाला कोई है नहीं, और जो नहीं जानता वो हो सकता है बेचारा कोई गलत फहमी में आ जाए। उससे भी मैं अपील करनी चाहता हूँ कि मैं एक पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, सबसे पहले मुझे अपने धर्म के बारे में पता है कि अगर मैं किसी के साथ धोखा करूँगा, कल मुझे इस दुनिया से लौट के जाना है, तो मुझे इसकी क्या सज़ा मिलेगी। जो हमें बताया गया, जो हम किताब पढ़ते हैं कुरान शरीफ, तो उसमें साफ साफ है, अगर आप किसी को धोखा दोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, तो मरने के बाद जो दोबारा ज़िंदगी मिलेगी वहाँ आपको कोई बचाने नहीं आएगा, वहाँ वही सजा उसे मिलेगी जो यहाँ करके जाएगा, और उस पर मुझे पूरा यकीन है। तो हम वो लोग नहीं है कि फायदे के लिए राम के भक्त बन जाए, फायदे के लिए कहने लगे कि आज जो कुछ हूँ मैं राम की बदौलत। हाँ, मैं राम की इज्जत करता हूँ, सर्व समाज के धर्मों की इज्जत करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने धर्म को मानता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते योगी आदित्यनाथ जी के, पहले मैं एक हिंदू हूँ, बाकी बाद में काम है, तो मैं भी पहले एक मुसलमान हूँ पक्का सच्चा। मैं किसी को धोखा देना जानता ही नहीं, ना मैंने सीखा, मैं फख्र के साथ कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। तो इंशाल्लाह अगर कोई इस गलत फहमी में है तो मैं अपील करता हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, ना अपने पाले में कर सकता, ना मैं कभी अपने समाज को धोखा दे सकता। इंशाल्लाह जब तक इस जिस्म में जान है कभी ऐसा नहीं हो सकता। सर्व समाज के लिए हमें तो काम करना है और करते रहेंगे। यहाँ जो नेता जीत के गए उनकी उपलब्धि नहीं है, ये तो गठबंधन की उपलब्धि है। और जो एक ये गलत फहमी हो गई थी कि अगर बीजेपी 400 के पार पहुँच गई तो आपका संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण बदल दिया, खत्म कर दिया जाएगा, इसकी वजह से गठबंधन को फायदा पहुंचा है। हमारा 1.25 लाख करोड़ बहुजन समाज पार्टी का ट्रांसफर हो गया, वरना सवाल ही नहीं होता ये जीत जाते। यहाँ से तो हम जीतते, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके मुकद्दर में जीतती वो मिल गई। हम तो जिसने वोट दिया उससे भी खुश, जिसने नहीं दिया उससे भी खुश, फिर मेहनत करेंगे, फिर 27 में लड़ेंगे, अब के नहीं तो अब के जीतेंगे, और 27 में भी नहीं तो फिर चालू रहेगी, ये संघर्ष चालू रहेगा। तो अभी तो फिलहाल आपको बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया है, तो 2027 में आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? 27 में निर्दलीय लड़ेंगे भाई, ये तो हमारा हक अधिकार है, संविधान ने दिया है, अभी से अपने काम पे लगेंगे, सबके लिए काम करेंगे। कोई पार्टी टिकट देगी तो उसका भी स्वागत, और नहीं देगी तो निर्दलीय तो लड़ेंगे, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। देखिए जो जिसे काम करना है, जिसे अपने लोगों के बीच रहना है, उसे तो अपने काम पे फक्र होता है और उस पर भरोसा होता है, विश्वास होता है कि हम अपने काम के बलबूते जनता के बीच में जाएंगे, और जो जनता का फैसला होगा वो शर्माते। अच्छा, लेटर में आपके साथ साथ एक आपके भाई हैं केआर के, उनका भी नाम है कि दोनों को एक साथ निकाल दिया गया, क्या कहेंगे? भाई भाई कभी मेरा पार्टी में आया ही नहीं, ना कभी कोई उसका वास्ता रहा हमसे, और वही मैं पहले बताया अब भी बता रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से भी सबको कहना चाहता हूँ, उनका अलग काम है, मेरा अलग काम है, मेरी उनकी कोई बोलचाल नहीं। कम से कम 15 साल से जब इंसान बालिग हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे भाई बहन है, कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कोई उसमें है समाजवादी में, वो एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो मेरी भी अपील है, दरख्वास्त है पूरी हिंदुस्तान की आवाम से कि मुझे मेरे भाई से ना जोड़ा जाए। वो चुनाव के वक्त भी एक ट्वीट और आया था कि भाई 400 पार हो जाएगी तो मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है, अपनी अपनी अलग विचारधारा है। हम कभी
समझौता नहीं कर सकते अपने आप से और समाज से, वो जो है वो ही रहेगा और उसी के साथ हम संघर्ष करते रहेंगे और काम करते रहेंगे सबके साथ मिलके। तो कब से वो जो आपका भाई है कब से अलग है आपसे? तकरीबन 15 साल, वैसे तो हम लोग बाहर चले गए थे 90 में और 2001 से हम लोग अलहदा अलहदा हो गए थे, लेकिन 15 साल से तो बिल्कुल वैसे भी आपस में बोलचाल नहीं रही, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग हो गई, हमारी विचारधारा अलग है। तो हमारा उनका कोई भी आपस में मेल जोल नहीं, बातचीत नहीं है। हाँ, क्योंकि जिस समाज से हम आते, हम अपने बड़ों से सुनते, बुजुर्गों से सुनते, जो हमारे दीनदार आलिम हैं उनसे सुनते, हम अपने बड़े भाई के आगे बोलते नहीं, उनकी बुराई नहीं करते, छोटे हैं तो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये मजबूरी में ये बात कहनी पड़ रही आपके जरिए, आपके माध्यम से, कि भाई अगर उनका कोई ट्वीट है, कोई भी उनका उनकी बात हो, तो उससे मुझे ना जोड़ा जाए। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मुझे किसी भी मामले में मेरे भाई से जोड़ के ना देखा जाए। मेरी ये सभी जनता से अपील है, दरखास्त है, इसमें मेरा सहयोग करें सभी लोग। तो क्या जो आपके भाई का ट्वीट आया था, क्या लगता है कि वही वजह बना आपको और आपके भाई को पार्टी को निकालने से? हो सकता है वो भी वजह बनी हो, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का फैसला है, जो भी उनका निर्णय है वो सर्वोपरि, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, ना कोई जवाब देना है। वो हमारी नेता है और नेता रहेगी, और हमेशा मैं उनका सम्मान करता रहूँगा। मायावती जी का एक और भी एक लेटर में भी एक बयान आया था कि हमने हमेशा मुस्लिम कैंडिडेटों को एक ऊंचा पद दिया है, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतर पाए, आगे से मुस्लिम कैंडिडेट को सोच समझ के टिकट दिया जाएगा, तो क्या ये वजह तो नहीं रही आपको पार्टी से निकालने की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है कि देखो सहारनपुर में हम सबसे ज़्यादा वोट लेके आए, कैराना हो चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे अदर कोई भी लोकसभा हो, उसका तो मुझे नहीं लगता उस तरह की कोई बात है, ऐसा मेरे जहन में नहीं लगता। वो तो हो सकता है सभी तरह के लोग रहते हैं, कुछ मुखालिफ होंगे, उन्होंने क्या बात रखी होगी क्या नहीं, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो फैसला लिया है ठीक है, बेहतर है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, ना कोई जवाब उस पर, बस हमें तो अपना काम करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये थे माजिद अली जी, इनका साफ तौर से कहना है इन्हें भले ही पार्टी से निकाल दिया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आखिर क्या वजह रही पार्टी से निष्कासित करने की। हो सकता है जो इनके भाई के ट्वीट हैं, इनको कहा कि मेरे भाई से मुझे ना जोड़ा जाए, क्योंकि वह हमारे से 15 साल से कोई बोलचाल नहीं है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब इन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया है, लेकिन 2027 में ये चुनाव लड़ेंगे, चाहे इन्हें निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतना पड़े। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।